जैसे ही आप प्लान दिखाने के बाद प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं कि सर मैं आपकी आईडी लगा दूं, तो प्रोस्पेक्ट बोलता है कि अभी पैसे नहीं है, बाद में आईडी लगवा लेंगे, अभी थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए, घर पर पूछकर बताऊंगा, अभी नहीं सोचकर बताऊंगा, या जब आईडी लगाना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। यानी कुल मिलाकर वह आईडी नहीं लगवाना चाहता, पैसा नहीं देना चाहता है, इसलिए वह इस तरह के ऑब्जेक्शन उठाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए हैं कि क्या बोले कि प्रोस्पेक्ट तुरंत पैसा देने को राजी हो जाए। नमस्कार, मैं दीपक सिंह, स्वागत करता हूं आपको आज के इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारा नया पावरफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी को समझिए। लोग दो ही सिचुएशन में किसी प्रोडक्ट, सर्विस या अपॉर्चुनिटी को अपनाते हैं। सबसे पहला लालच, दूसरा डर। लालच क्या? उससे कुछ बड़ा हासिल हो रहा हो। और डर क्या? कुछ बड़ा खोने का डर हो। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को लालच देना है, और वह भी फिक्स टाइम के लिए, ताकि वह कम समय में डिसीजन ले सके। कैसे करना है, एक उदाहरण से समझते हैं। इसका इस्तेमाल ई कॉमर्स कंपनी बहुत करती है। अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर कभी कभी एक दिन के लिए डील्स ऑफ द डे में 40% 50% डिस्काउंट दे देती है, और उसी डिस्काउंट के चक्कर में जिसको जरूरत नहीं होता है वो लोग भी इस सामान को परचेज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लालच दिखता है कि आज ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है, उनको लगता है कि आधे दाम पे सामान मिल रहा है और वो तुरंत खरीद लेते हैं। दूसरा, फियर ऑफ लॉस। उनको डर होता है कि अगर हमने नहीं लिया तो यह मौका हाथ से चला जाएगा। फियर ऑफ लॉस यानी खोने का डर। इसका इस्तेमाल नेपतोल बचत बाजार भी खूब करता है। कुछ भी बेचना होता है तो उसकी इतनी अर्जेंसी बिल्ड कर देता है, कि कस्टमर को लगता है कि ले लेते हैं, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। और वह ऑफर एक लिमिटेड टाइम के लिए देता है कि मात्र 200 पीस बचा है, 80% डिस्काउंट पर मिलेगा, कहीं आप चूक ना जाए, या बोलेगा सिर्फ 30 मिनट के लिए अवेलेबल है, जल्दी करें ऑर्डर नाउ। ऐसे लगता है जैसे अब मिलेगा ही नहीं, और लोग तुरंत कॉल करके उसको बुक करा लेते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी बुक करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सबसे पहले दिख रहा है लालच कि कुछ बड़ा हासिल हो रहा है, और दूसरा अगर हमने नहीं लिया तो फियर ऑफ। यानी हमें अपने प्रोस्पेक्ट को यह समझाना है कि अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा, और आपने अभी ज्वाइन नहीं किया तो आपका कितना नुकसान हो सकता है। उनको क्लोज करने के लिए आपको क्या बोलना है कि देखिए सर, अगर आप अभी अपनी आईडी लगवाते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। कल दो लोग का आईडी लगाना है, उनका पैसा आज शाम तक आ जाएगा। उसमें से एक आदमी लीडर है, वह 1000 लोगों को जानता है, उनकी बात लोग बहुत मानते हैं। अगर आप आज ज्वाइनिंग लेते हैं तो उनकी आईडी मैं कल आपके नीचे लगा दूंगा, आपका आधा काम तो ऐसे ही होगा। आप तुरंत इस लेवल को पार कर जाएंगे, और इस महीने से आपको इतना चेक आने लगेगा, और एक साल के अंदर आप डायमंड बनकर कार अचीवर, फॉरेन टूर अचीवर बन सकते हैं। अगर आप अपनी आईडी अभी नहीं लगवाते हैं तो वह किसी और के नीचे चला जाएगा, और उसका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, तो क्या आप इस मौका को गंवाना चाहेंगे? गेस्ट क्या बोलेगा? नहीं। तो उनसे फार्म भरवाइए, पैसा लीजिए और आईडी एक्टिवेट कीजिए। एक बात याद रखें कि झूठ नहीं बोलना है कि आपके नीचे आईडी लगा देंगे, और आपको लगता है कि आप लगाने में सक्षम नहीं है तो आपको नहीं बोलना है। यह बोल सकते हैं कि इस वीक में आपके नीचे मैं एक आईडी लगा दूंगा, झूठ नहीं बोलना है। आपने बोल दिया है लगा दूंगा, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका गेस्ट निगेटिव हो सकता है। और बता सकते हैं कि सर आप अभी ज्वाइन लेते हैं तो दो ऑफर कंपनी की तरफ से चल रहा है। जो भी ऑफर आपके कंपनी की तरफ से है वह बता सकते हैं, कि जैसे प्रोडक्ट पर डिस्काउंट चल रहा है, या कोम्बो पर डिस्काउंट चल रहा है, या कुछ मेगा ऑफर है, जैसे गोवा टूर अचीव कर सकते हैं, स्मार्टफोन अचीव कर सकते हैं, टेलीविजन अचीव कर सकते हैं, या प्रमोशन के लिए बीवी या पीवी में डिस्काउंट चल रहा है। जो आपके कंपनी के तरफ से ऑफर है उसको अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह बताना है कि यह डील्स अभी के लिए है, इस वीक के लिए है, आप बहुत लक्की हैं जो आपको यह ऑफर मिल रहा है, बहुत लोगों को यह ऑफर नहीं मिला है। अगला हो सकता है कि आप अपने तरफ से भी कुछ ऑफर दे सकते हैं, पर्सनल ऑफर। अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो रहा है या आपका प्रमोशन हो रहा है तो आप अपने तरफ से कुछ ऑफर दे सकते हैं। इस वीक में जो ज्वाइनिंग लेगा उसको वीक के अंत में एक शानदार गिफ्ट मिलेगा, प्रेस दे सकते हैं, फैन दे सकते हैं, या ड्रेस कोड दे सकते हैं।
और सबसे खास बात याद रखना है, अपने प्रोस्पेक्ट को ऐसा फील कराइए कि उनके पास पैसा है। जो स्पॉन्सर होता है ना, वह बड़ा दयालु होता है। जब गेस्ट बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी बहुत दिक्कत है, बाद में ज्वाइन कर लेंगे, तो स्पॉन्सर ऐसा सोचता है कि सच में इसके पास पैसा नहीं है और अपना एनर्जी डाउन कर लेता है। हमें ऐसा नहीं करना है। यह सोचिए कि हम उसको क्यों ज्वाइन कराना चाहते हैं। उसकी ही समस्या को तो दूर करना है कि उसके पास पैसे की समस्या है, वो समस्या ही खत्म हो जाए। उनको प्री जज मत करिए कि उनके पास पैसा नहीं है, वह पैसा अरेंज कर सकते हैं। बस आपको उनको बताना है कि किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। वीडियो को समराइज करते हैं कि प्रोस्पेक्ट्स को क्या बताना है। सबसे पहले बताना है कि आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या फायदा होगा, और दूसरा फियर ऑफ लॉस, अगर आप अभी ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, अभी कितना नुकसान हो सकता है और भविष्य में कितना नुकसान होगा। आप डायमंड बन सकते थे, लेकिन अभी ज्वाइन नहीं करने की वजह से आप जो एक साल में डायमंड बनते, आपको डायमंड बनने में हो सकता है कि 2 साल या 3 साल का समय लग सकता है, जिससे आपकी कई लाख रुपए की हानि हो सकती है। अच्छे तरीके से बताना है, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, रिजल्ट आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरे लोगों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि किसी की मदद हो सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।